हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन के ऊपर है, जिस इंजेक्शन का नाम है फोर्सेफ। आज हम आपको फोर्सेफ इंजेक्शन के यूज, साइड इफेक्ट और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर सबसे ज्यादा कहाँ पर कराते हैं सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोर्सेफ इंजेक्शन जो है ये आपको मार्केट में 250 mg में, 500 mg में और 750 mg में और 1000 mg और 1.5 ग्राम, मतलब ये आपको 250 125 mg से लेकर 1.5 ग्राम तक ये आपको मार्केट में कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा फोर्सेफ नाम से। और इसमें जो साल्ट होता है वो होता है आपका सिफोरोक्सिम, जो इसका जेनरिक नेम है और ब्रांड नेम इसका फोर्सेफ है। इसमें जो साल्ट होता है वो होता है सिफोरोक्सिम, जो आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा सिफोरोक्सिम नाम से भी, लेकिन जो इसका ब्रांड नेम रहेगा वो यही रहेगा फोर्सेफ। और इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो IM और IV दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। आप इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब जानते हैं इस इंजेक्शन के यूज के बारे में। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाज में लिया जाता है। जैसे कि इसका इस्तेमाल आप गले के इन्फेक्शन में और कान के इन्फेक्शन में, दांत के इन्फेक्शन में, बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसका इस्तेमाल जैसे कि लेडीजों में दिक्कत होती है UTI की, जिसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें क्या होता है, लेडीजों को टॉयलेट करते में टॉयलेट में बदबू आने लगती है जिसे बोलते हैं UTI, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है सिफोरोक्सिम का। और फोर्सेफ इंजेक्शन का जो होता है यूज उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल बच्चों में जैसे कि ब्रोंकोलाइटिस हो जाना, निमोनिया हो जाना, और क्या कहें फेफड़ों में बच्चों के ऐसा होता है बलगम जमा हो जाता है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। और जैसे कि पथरी में, किडनी में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, पथरी जो बन जाती है, पथरी में जो गोल ब्लेडर होता है हमारे और किडनी होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसे इन्फेक्शन को ख़त्म करने में भी इसका अच्छा यूज़ होता है सिफोरोक्सिम इंजेक्शन का। तो आप जानते हैं सिफोरोक्सिम इंजेक्शन के साइड इफेक्ट। सिफोरोक्सिम के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं जैसे कि पेट में दर्द हो जाना और लूज मोशन हो जाना, और कभी कभी ऐसा होता है कि नींद बहुत आती है इसके साइड इफेक्ट में, नींद बहुत आना और चक्कर आ जाना, फास्ट हार्ट रेट होना, और इसके अलावा भी जैसे कि आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि धुंधलापन दिखना, ये सब इसके साइड इफेक्ट में देखा गया है सिफोरोक्सिम के इंजेक्शन के। ये कुछ जो साइड इफेक्ट हैं सिफोरोक्सिम के। और जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस इंजेक्शन को। अब जानते हैं इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर जो है कौन सी कंपनी करती है। इस इंजेक्शन को जो मैन्युफैक्चर करती है वो करती है आपकी अरिस्टो फार्मेसी कंपनी मैन्युफैक्चर, और ये आपको मार्केट में 80 रुपये से 100 रुपये तक की रेंज में कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को, बिना कंसल्ट करे इस दवा को न लें। और ये इंजेक्शन जो है ये आपको वाइल के साथ आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और इसके अंदर जो होता है डिस्टिल वाटर होता है, जिससे आपको इस इंजेक्शन को डाइल्यूट करके तैयार करना पड़ता है इंजेक्शन को। और इस इंजेक्शन का आप इस्तेमाल IM भी कर सकते हैं, IV भी कर सकते हैं। बच्चों में इसका इस्तेमाल आप कूल्हे पर भी लगा सकते हैं इसे बच्चों में, मतलब, और जैसे कि बड़ा है तो बड़े में आप इसे ड्रिप में भी डाल के लगा सकते हैं, NS की बोतल में आप इसे डालकर लगा सकते हैं, और इसे डायरेक्ट आप IV भी दे सकते हैं इंजेक्शन को। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।